अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले अहमदाबाद में होने वाले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ट्रंप के स्वागत में होने वाले खर्चे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ट्वीट करके लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन पर 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा एक समिति के जरिए खर्च हो रहा है। समिति के सदस्यों को पता नहीं कि वो उसके सदस्य हैं क्या? देश को ये जानने का हक नहीं है कि किस मंत्रालय ने समिति को कितना पैसा दिया है? समिति की आड़ में सरकार क्या छिपा रही है? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन भारत हमेशा से अतिथि देवो भव का दायित्व निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का राष्ट्रपति भारत आता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है, तो उनका स्वागत करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर सवाल खड़े करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि जब भी भारत खुश होता है तो कांग्रेस पार्टी दुखी क्यों हो जाती है? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आज जब विश्व में भारत के वैश्विक पद चिन्ह बड़े हैं, ऐसे में नाखुश होकर सवाल जवाब करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। पात्रा ने कहा कि आज व्हाइट हाउस के किसी भी निर्णय में भारत फ्रंट या सेंटर में रहा है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के सत्य और सेवा समर्पण को न्यायपालिका की नींव बताते हुए न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। महात्मा गांधी न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका की नई चुनौतियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षा, साइबर क्राइम जैसी समस्याएं न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आए हैं जो वैश्विक चर्चा का विषय बने हुए हैं। निर्णयों से पहले परिणामों के बारे में कई चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन 130 करोड़ की भारतीय जनसंख्या ने न्यायिक फैसलों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को अधिकार नहीं है निजता का। रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जजों को फैसला लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दुनिया में भारत का चमकता हुआ केंद्र है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मणवाद ने घेरा है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ फैसला वापस ले, अगर फैसला वापस नहीं लिया तो आगे तक की लड़ाई चलने वाली है। फर्रुखाबाद दौरे पर आए कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने असम में एनआरसी लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को एनआरसी लागू होने से इसकी प्रक्रिया का आभास था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी परवाह करते हुए असम में एनआरसी लागू किया। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा मोदी भक्त क्यों ना हो, वो जीवन भर डिटेंशन कैंप में नहीं रहना चाहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में मायावती की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि बीएसपी आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी ने इस साल होने वाले बिहार और पश्चिम बंगाल में भी लड़ने का चुनाव फैसला किया है। बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन के साथ साथ बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाषाएं बोझ नहीं होती हैं, बल्कि ये आर्थिक प्रगति और स्वावलंबन का आधार होती है। इससे विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। देश की आजादी में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। देश की आजादी में हिंदी भाषा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने का एक बड़ा भंडार मिला है। इस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सोनभद्र में सोने का इतना विशाल भंडार मिलना शिवजी की कृपा है। सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है, इससे भारत को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और देश का विकास होगा। खदान मिलने की खबर से राज्य सरकार खुश है। बलिया जनपद के बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने
गौसुद्दीन ओवैसी को देश का दुश्मन बताते हुए कहा कि उनकी आस्था पाकिस्तान में बसती है। अगर ओवैसी का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो ये बात साबित हो जाएगी। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि ओवैसी जिन्ना की तर्ज पर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के भास्कर खुलवे को अपना सलाहकार बनाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम के सलाहकार के तौर पर दो नियुक्तियां की हैं। 21 फरवरी को मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 1983 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर भास्कर खुलवे और उसी बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अमरजीत सिन्हा को पीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादी जुनैद फारूक को गिरफ्तार किया है। आतंकी जुनैद फारूक के पास से हथियार बरामद हुए, गोला बारूद बरामद हुआ। पकड़े गए आतंकी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग जिले में देर रात तक चले कश्मीर पुलिस आर्मी और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से काफी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस से सभी दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने लिखित तौर पर सूचना दी है। अंतिम मुलाकात जब करनी हो वे अपने परिवार और जेल प्रशासन को बता दें। नए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मुकेश और पवन अंतिम मुलाकात कर चुके हैं। दोषी अक्षय और विनय से भी परिजनों से अंतिम मुलाकात के लिए कहा जा चुका है। साप्ताहिक मुलाकात चारों की अभी जारी है। अगर निर्भया के दोषियों को होने वाली फांसी लटकती नहीं है तो दोषी अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात करेंगे। निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषी विनय शर्मा की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक है, उसके दिमागी हालत को लेकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से निर्भया के सभी दोषियों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा। याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय शर्मा ने जेल में अपना सिर फोड़ा, विनय के हाथ में भी चोट आई है। डॉक्टर ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्यगोपाल दास ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई भी सरकारी दान या चंदा नहीं लिया जाएगा। ग्वालियर में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाएगा। मंदिर जनता के योगदान से बनाया जाएगा। सरकार के पास पहले से ही कई दिक्कतें हैं, हमारे पास ज्यादा बोझ नहीं है। महंत नित्यगोपाल दास ने कहा कि मंदिर निर्माण में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को अयोध्या आमंत्रित किया जाएगा। नित्यगोपाल दास ने यह भी कहा कि हम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर चुके हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ, अन्य सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों जिन्हें धर्म में रुचि है उन्हें एक भव्य मंदिर के निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला को अस्थायी स्थान पर विराजमान करने वाली जगह का जायजा लिया। मंदिर निर्माण से पहले रामलला को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र, डीएम अनुज झा भी मौजूद रहे। रामलला के विराजमान वाली जगह पर नई जगह पर इसका चयन हुआ। ट्रस्ट की अगली बैठक यही होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के करीब 3 दशक पुराने विश्व हिंदू परिषद के नक्शे में बदलाव कर इसकी ऊंचाई बढ़ाते हुए एक और मंजिल जोड़ी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद के नक्शे में प्रस्तावित मंदिर को अष्टकोणीय आकृति में बनाने का खाका तैयार किया गया है। इसके अनुसार मंदिर में 5 प्रवेश द्वार होंगे और रामलला की मूर्ति निचले तल पर विराजमान होगी। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद स्वामी परमानंद वापस हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वामी परमानंद ने बताया कि ट्रस्ट में कई लोगों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको मिलकर मंदिर निर्माण के लिए कोशिश करनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर महंत धर्मदास ने सवाल उठाए। महंत धर्मदास का कहना है कि राम मंदिर पर बनाया गया यह ट्रस्ट असंवैधानिक है। साथ ही आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से उलट काम कर रहा है। इस बात की शिकायत धर्मदास ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की है।
अयोध्या की हनुमानगढ़ी में निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चंपत राय इस नए ट्रस्ट में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि चंपत राय पूरे ट्रस्ट को विश्व हिंदू परिषद का ट्रेनिंग सेंटर बना देना चाहते हैं। प्रयागराज में सीबीआई ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर का पोस्टर जारी करते हुए 2 लाख का इनाम घोषित किया है। दरअसल अतीक अहमद के बेटे पर लखनऊ के कारोबारी की पिटाई का मामला दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से ही उमर फरार है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। उमर पर कई मामलों में कोर्ट से गैर हाजिर रहने का मामला दर्ज है और गैर जमानती वारंट भी। फिलहाल उमर के पिता पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद गुजरात जेल में बंद हैं। 26 फरवरी को हल्द्वानी में प्रस्तावित कांग्रेस की लालटेन पदयात्रा को लेकर नैनीताल लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान बलराज पासी ने कहा कि कांग्रेस को 3 साल बाद सड़क पर उतरने की याद आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने में झांक कर देखे, बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को ढूंढने का काम बंद करे। साथ ही लालटेन की रोशनी में कांग्रेस राज्य के भीतर अपना वजूद बेहतर तरीके से तलाशने का काम कर सकती है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हरदोई जिले पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा कॉलेज में बने कंट्रोल रूम की जानकारी भी ली है। परीक्षा कक्षों की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग उन्होंने देखी। साथ ही जीजीआईसी और जीआईसी विद्यालयों में जाकर बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था को जांचा परखा। उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा अब सवालों के घेरे में है। मामला फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का है, प्रश्न पत्र के लीक होने का है। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि परीक्षा केंद्र में ही प्रश्न पत्र लीक हुआ। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में 1,56,000 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हिस्सा लिया इन्होंने। वहीं इस परीक्षा में करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ है। हालांकि आयोग की तरफ से जांच रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर वी के पांडे ने यह बात स्वीकारी है कि मऊ जिले में एक पेपर की सॉल्व कॉपियां सोशल मीडिया में आउट हुई थी, जिसकी कुछ सॉल्व कॉपियां बाहर भी पकड़ी गई हैं। विभाग ने दावा किया है कि एक से ज्यादा जनपदों में इंटर भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। यूपी के गाजीपुर में एसटीएफ की टीम ने जिले में 2 अलग अलग जगह पर अभियान चलाकर नकल की साजिश को नाकाम किया। एसटीएफ ने इंटरमीडिएट की भौतिक परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर लिखी जा रही 21 कॉपियों को जब्त किया है। एसटीएफ ने भोड़कोड़ा थाना क्षेत्र के जयनाथ इंटर कॉलेज खेमपुर जखनिया के प्रिंसिपल और कॉलेज क्लर्क को हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू की है। छात्रों ने डीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। वीसी डीएसडब्ल्यू और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए छात्र। वहीं 3 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अलीगढ़ में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने इकट्ठा होकर अपर कोर्ट कोतवाली के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ये प्रदर्शन सीएए को लेकर है। भारी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुरक्षा की नजर से अगर देखा जाए तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। वहीं साथ ही कई क्षेत्रों में बाजार बंद दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा में फरियादियों को अब भी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी 3 महीने से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसके चलते संख्या में लोग कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विस्तृत एसीपी राजीव सिंह और आयु की साठगांठ की वजह से खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर महुआ जिले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि उन्हें जो 6,000 रुपये की सम्मान निधि मिलती है वो मिलनी चाहिए, बिजली के बिल को कम किया जाना चाहिए, सड़कों की खराब हालत समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलित है। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। रविंद्र कुमार प्रथम को उन्नाव का डीएम बनाया गया। जसजीत कौर शामली के डीएम बनाए गए।
अखिलेश सिंह को सहारनपुर और रुपेश कुमार को प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया है। वहीं आंध्रा वामसी को झांसी, भूपेंद्र एस चौधरी को कुशीनगर, अमित सिंह वसंत को बांदा का डीएम बनाया गया है। आलोक पांडे विशेष सचिव चिकित्सा, अनिल कुमार सिंह विशेष सचिव गृह बनाए गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार ने 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। तबादले की इस कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन ने इन 5 अफसरों को नई तैनाती दी है। पदोन्नति के बाद एसएसपी अलीगढ़ आकाश कुलहरी को डीआईजी पीएससी मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। उनकी जगह मुनिराज को कमांडेंट मुरादाबाद से एसएसपी अलीगढ़ बनाया गया है। मथुरा के एसएसपी शलभ माथुर को डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया और उनकी जगह आईपीएस गौरव ग्रोवर को मथुरा का नया एसएसपी बनाया गया है। एसपी बहराइच गौरव ग्रोवर एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं। पीएससी वाराणसी में कमांडेंट विपिन कुमार मिश्रा को बहराइच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट विभाग के बाबू के घर से सीबीआई ने छापा मारकर 4 लाख की पुरानी करेंसी बरामद की है। यादव सिंह के मामले में सीबीआई ने बाबू रविंद्र से पूछताछ की, उसके बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई कर प्राधिकरण के बाबू को गिरफ्तार किया और 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 36 बाबू के घर पर छापा मारा गया। ईडी ने एक फौजी घोटाले में कथित तौर पर शामिल नोएडा की एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के संबंध में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में करीब 12 जगहों पर शनिवार को छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि बाइक बोट मामले के संबंध में धन शोधन निरोधक कानून के तहत दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में करीब 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ग्रेटर नोएडा स्थित बाइक बोट टैक्सी सेवा पर कई राज्यों में 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का आरोप है। नोएडा पुलिस ने बाइक बोट कंपनी के प्रमुख संजय भाटी समेत कंपनी के 12 से ज्यादा अधिकारियों को जेल भेजा। मामले में वांछित कुछ अन्य लोग फरार हैं। आगरा में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। आगरा के शाहगंज इलाके में पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि शादी के 14 महीने बाद दहेज की मांग को लेकर पति ने तलाक दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के बाद 9 साल की मासूम की हत्या के मामले में एडीजी जोन लखनऊ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही परिवार वालों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधवाया, घटना के जानकारी ली। इस दौरान एडीजी ने पुलिस को घटना की सही तरीके से जांच करने के निर्देश दिए। बहराइच में ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार की शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण की जमकर पिटाई करवा दी। प्रधान के सगे रिश्तेदारों पर युवक को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण ने आरटीआई लगाई थी, जिस पर जांच करने आई टीम के जाते ही ग्राम प्रधान ने पहले युवक को बंदी बनवाया और उसके बाद पिटाई उसकी की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। कौशाम्बी में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया और बाद में प्रेमिका को मारने के बाद प्रेमी ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये पूरा मामला चरवा थाना का है, जहां प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया और उसी दौरान ये घटना हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे जांच पड़ताल चल रही है। यूपी के हमीरपुर में जुआ खेलने को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में ईंट से वार किया। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया, लेकिन घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सुल्तानपुर में काम से वापस लौट रहे युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली मारने की वजह युवक की 2 पत्नियों के बीच विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। डोईवाला के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जाने वाले मार्ग पर एक तेंदुआ नजर आया है। तेंदुआ दिखने से यात्रियों में दहशत दिखी। गाड़ी में बैठे लोगों ने मोबाइल से तेंदुए का वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि ये रनपोर्ट पर ठीक सामने तेंदुआ दिखा। दरअसल खतरनाक जानवरों का इस जगह पर नजर आना खतरे से खाली नहीं है। बताते चलें कि कुछ समय पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वन विभाग को जानवरों के लिए उचित व्यवस्था बनाने के लिए लिखित शिकायत भी की थी। थाईलैंड की राजकुमारी
चुलबॉन 3 दिन की यात्रा पर वैद्य की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंची। उनका परंपरागत ढंग से यहां स्वागत हुआ। लोक परंपरा में थाई कलाकार यहां दिखाई दिए। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने राजकुमारी का स्वागत किया। थाईलैंड की राजकुमारी आज भगवान बुद्ध मंदिर और रामाभार स्तूप पर विशेष पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी और 23 को थाईलैंड रवाना हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा आगमन को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। 24 फरवरी को आने वाले ट्रंप की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सुबह 10:30 बजे के बाद ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ताजमहल की सुरक्षा अधिकारी मोहसिन खान के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के ताजमहल घूमने के दौरान सुरक्षा पर नजर बनाए रखने के लिए 24 फरवरी को सुबह 10:30 बजे के बाद से अन्य पर्यटकों के लिए ताज का दीदार करना मुश्किल होगा। ताज महोत्सव की शाम सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के नाम सजी रही। यहां मंच पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा तो वहीं दिल्ली से आए कलाकारों ने भी रंग बिखेरा है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि भगवान शिव शंकर जी किस तरह से गंगा को धरती पर लाए थे। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होने के साथ ही मंदिर समिति ने यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल के मुताबिक देश विदेश के श्रद्धालु आगामी अप्रैल से नवंबर महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना दर्शन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। समिति को शीतकाल में अभी तक दोनों धामों के लिए 37 लाख रुपये का दान मिला है। इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर दोनों धामों में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने पर जोर दिया गया। अगले महीने यानी मार्च के पहले हफ्ते में BKTC की टीम केदारनाथ जाएगी जो कपाट खुलने तक वहां जरूरी व्यवस्थाओं को देखेगी। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार टीम वहां बर्फ से संपत्तियों को हुई क्षति का आकलन भी करेगी। इस बार पुजारियों और अतिथियों के लिए गर्म टेंट की व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ राजभवन में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को फूलों से सजाया गया है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के प्रतीक को भी फूलों से बनाया गया है। प्रदर्शनी के चलते राजभवन 2 दिनों के लिए आम जनता के लिए खोला गया है।